नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस और सीआरटी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में दो तस्करों से एक क्विंटल 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत 22 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार लग्जरी गाड़ियों को जूम ऐप के माध्यम से वे बेचा करते थे। बता दें कि गांजा सप्लायर पकड़े गए तस्करों ने बताया है कि हम यह गांजा ओडिशा से लेकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। तरीके से काम करते हैं। ये देखिए हमारे सीआरटी और सेक्टर 20 के प्रभारी द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक क्विंटल 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और इनके दो लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये उड़ीसा से गांजा लेकर आते थे और यहाँ एनसीआर में सप्लाई करते थे। एक अभियुक्त जो है इसमें इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, ये 302 में इनका ट्रायल हो रहा है। इसके साथ साथ ये दोनों आपस में रिश्ते में भी हैं और इसके पहले भी इनके द्वारा इस तरह के कृत्य किया गया है। कितने का ये गांजा होगा और किस तरीके से ये गाड़ियां लेते थे? ये गाड़ियां जैसा कि इनके द्वारा बताया गया जूम ऐप के माध्यम से इनके द्वारा बुकिंग की गई है और जो तरीका इनके द्वारा बुकिंग का अपनाया गया है उसको विस्तृत जांच करके हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कहां से और किस माध्यम से इन्होंने गाड़ियों को बुक किया गया है। जो बरामद शुदा माल है इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है और इनके द्वारा एनसीआर में सप्लाई किया जाता है। ये गांजा लाने का जैसा इनके द्वारा बताया गया है कि उड़ीसा के संबलपुर जिले से लाते थे और यहाँ इनके क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स की जानकारी कर रहे हैं हम लोग और उनको ये सप्लाई करते हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे मिली? पुलिस का अपना सूचना तंत्र है, पुलिस निरंतर जो अवैध रूप से कार्य में लिप्त रहते हैं उनके विरुद्ध हम लोग निरंतर निगरानी रखते हैं और हमारी सीआरटी टीम और सेक्टर 20 की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। किस रेट पे गांजा लेके आते थे और किस रेट पे बेचते थे? देखिए रेट इनका लाने का रेट कम रहता है लेकिन यहाँ जो बेचने का रेट है वो ठीक ठाक रहता है। पॉलिस वगैरह में भी सप्लाई करते थे क्या ये गाड़ी? अभी इस संबंध में कोई पुष्टिकारक जानकारी नहीं मिली है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी गैंग में कितने लोग हैं? इनके गैंग में अभी 3 लोगों का हमें जानकारी मिली है, 2 तो हमारे द्वारा अरेस्ट हैं, 1 फरार चल रहा है, बाकी के भी तलाश की जा रही है। तो गांजा लेके आते हैं तो उड़ीसा से, इन्होंने बताया माध्यम क्या यूज करते थे? ये विभिन्न माध्यमों से आते हैं, परिवहन के अन्य तरीके का इस्तेमाल करते हैं लोग लेकिन यहाँ सप्लाई के लिए इस प्रकार के तरीके का प्रयोग कर रहे थे। सर जिस टीम ने इनको पकड़ा है कि उनको भी कोई नाम की घोषणा? जी हमारी जिस टीम ने गिरफ्तारी की है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।